सुना है भविष्य में सुनेंगे इस तरह कोई उनको विचलित नहीं करेंगे। उनका उदाहरण तो दिया है एक कछुए के साथ, और पहले कृष्ण ने उसको उत्तर देते हैं उनका लक्षण है पहले क्या, मौन प्रजाति जदा कामान, मानसिक जल पर नकल में पहले छोड़ना चाहिए। पहला जो कहते हैं शुद्ध भक्त के लक्षण पहले मानसिक जल पर नकल। तो उनका उदाहरण देते हैं कछुए का तरह, कैसे संभव कछुए का तरह, तो उत्तर देते हैं जो जब जो उत्कृष्ट जब रस मिलते हैं तब निकृष्ट रस को छोड़ना बहुत आसान होता है, यदि उच्चतर स्वाद मिलता है तो निकृष्ट स्वाद को छोड़ना बहुत आसान होता है। और उच्चतर स्वाद है कृष्ण भक्त, जिस तरह भगवत भक्त लोग जब प्रसाद खाते हैं प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है बाहर का कुछ खाने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने माओवादी लोग जो प्रसाद नहीं खाते उनके कितना कष्ट है, खाना नहीं मिलता है, लेकिन कृष्ण भक्त भगवान का प्रसाद खाते उच्चतर स्वाद मिलता है, तो दूसरा निकृष्ट स्वाद में आकृष्ट नहीं है। तो यह एक प्रश्न आ सकते इस तरह, क्या उच्चतर स्वाद में तो आकृष्ट नहीं होगा, क्या हमें प्रयास करके इंद्रिय नियंत्रण तो नहीं कर सकते क्या, इसका आंसर क्या है। एक तो है कोशियों का द्वारा इंद्रिय संयम करना चाहिए, विष्णु ने कहा कैसे संभव, संभव है उत्तर अर्थात इंद्रियों को अच्छा भगवान के सेवा में लगाना। तो क्वेश्चन आ सकते क्या हम इंद्रियों नियंत्रण नहीं कर सकते, उच्चतर साध में नहीं लगाकर केवल जो नियंत्रण करके नहीं हो सकते, उत्तर नहीं हो सकते। जत तो ही अभी कौनते पुरुष से विपश्चित इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसवम, जत तो ही अपी जत तथा प्रयत्न करने के बाद अपी भी बावजूद, कोई यदि बहुत प्रचेष्टा करते हैं भी उसके बाद कौन थे अर्जुन पुरुषश्च विपश्चित, ये साधारण आदमी नहीं है, जो विपश्चित जो विवेक युक्त जो व्यक्ति है बहुत ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भी यदि प्रयत्न करेगा इंद्र को निग्रह करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवम, इंद्रियो इतना प्रमाथिनि पागल है, पागल जिससे प्रमाद प्रमोद प्रमाद अर्थात पागल, वो इंद्रिय इतना उत्तेजित है हरन्ति प्रसवम मनो, हरन्ति हर लेते हैं प्रसवम बॉल्स के मन को, तो इंद्रिय इतना शक्तिशाली है यह ज्ञानी व्यक्ति का मन की विहरण कर लेते हैं, हम वो करने से मृत्यु हो जाएगा फिर भी मन तो बोलते ये करेंगे मृत्यु हो जाएगा, इंद्रिय बोल नहीं चलो मर जाएंगे कोई बात नहीं है मरने मरने दो, इतने इंद्रिय शक्तिशाली होते। तो जत तो ही कौनते है कौनते यदि जत्न प्रयत्न करते भी है, और वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति यदि इस तरह बहुत बलपूर्वक प्रयत्न करते इंद्र निग्रह करने के लिए, लेकिन इंद्रिय इतना शक्तिशाली है वो मन को बलपूर्वक खींच लेते हैं, तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है वो कृष्ण का सेवा में लगाना, कृष्ण का सेवा को लगा के बिना इंद्रियों को नियंत्रण करना असंभव। और जो इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेते हैं, जो उन्हें वश में करके करने का प्रयत्न करते हैं। विवेकी पुरुष यदि मन को वश में करने का कोशिश करते फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रिय इतना शक्तिशाली है। इसका उदाहरण बोलते हैं अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बारे भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियों का लक्ष्य बन जाता है। बहुत बहुत विद्वान बहुत बहुत ऋषि बहुत दार्शनिक अध्यात्मवादी भी इंद्रियों का दास बन जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि इंद्र निग्रह के कठिन ये कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इस तरह अनेक दृष्टांत है। प्रभुपाद एक बांग्ला भजन में लिखते हैं
অদান্ত ইন্দ্রিয় নহে যোগ পারলে বশ, কত মুনি যোগীশ্বর হয়েছে বিবশ। এই অদান্ত ইন্দ্রিয় অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় যোগকে দ্বারা ভি বশীভূত নেই হতে। ইসকা বহুত উদাহরণ হয়, বহুত বহুত মুনি ঋষি শৌরী মুনি ইস তর মছলি কো দেখকার উনকো পতন হয়ে গেছে। এ কেবল ঋষিকের সেবা বিনা ঋষিক দমন কর্মের ফের সব ভঞ্জা সব। এই ঋষিকের সেবা বিনা কৃষ্ণ কা সেবা সরকার ইন্দ্রিয় কো দমন করা অসম্ভব হয়। কই কই যোগ প্র্যাকটিস করতে যোগ মে সম্ভব নেই, যোগে তো ইন্দ্রিয় সংযম কভু নাই, যোগ কে দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম নেই। আগম পুরাণে তাহা ভুরি ভুরি কায়, বেদ পুরাণ আদি শাস্ত্র মে ইসকা বহুত প্রমাণ হয় যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম নেই। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয় যোগীর আসনে বসেছিল বিশ্বামিত্র, জন্ম দিলা শকুন্তলা সুন্দরী পবিত্র। বিশ্বামিত্র 6,500 সাল যোগ কিয়া থা, লেকিন উহা মেনকা কা আকৃষ্ট হকা উনি সুন্দর এক সন্তান জন্ম দিয়ে উনকার নাম হয় শকুন্তলা। তো প্রভাত ইসকা তাৎপর্য দিতে হ্যাঁ, এইভাবে যোগ ভ্রষ্ট জ্ঞানীর কি কথা, যোগিকা যদি ইস্তার হালত হয়ে থাকতে তো জ্ঞানীকে বাদ করার কি জরুরত হ্যাঁ, জরুরত নেই। আর জ্ঞানীকা যদি বাদ করার জরুরত নেই হ্যাঁ, কর্মীকে বাদ করার কি জরুরত হ্যাঁ, কর্মী সব মুরজন ব্যতীত সব ইস্তার নেই হবে। ইহা প্রভুপাদ ওই লিখতে হয় অনেক বিদ্যা ঋষি দার্শনিক তথা আধ্যাত্মবাদী ইন্দ্রিয়কে বশ মে করার কে প্রয়ত্ন করতে হ্যাঁ, কিন্তু উনমে সে বড়ে সে বড়ে ভি কবি কবি বিচলিত মনকে কারণ ইন্দ্রিয় হোক কা লক্ষ্য বন যেত। ইহা তো কি বিশ্বমিত্র কে উদাহরণ দিয়ে অত পূর্ণতয়া কৃষ্ণ ভাবনাবিত হয়ে বিনা মন তথা ইন্দ্রিয় কে বশ মে কর সকনা অত্যন্ত কঠিন। তো পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনা হ্যাঁ, ইস্তারা গুরু মহারাজ কে বাদ বহুত আদমি বহুত ভক্ত লাগা থাকে গুরু মহারাজ ইস তার কিয়া করার চাই ইন্দ্রিয় সংযম নাই হতে এই সমস্যা। তো বহুত বহুত মেনে এই কিয়া মেনে এই কিয়া কিয়া এই করার চাই বহুত। তো গুরু মহারাজ একই উত্তর দেয় দেখো যব তক মন সম্পূর্ণ কৃষ্ণময় সেবায় মে তলমিন নেই হোগা ইস তার কৃত্রিম রূপে ইন্দ্র দমন নেই হোগা নেই আলাগ কর সকতে, লেকিন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করনে কে লিয়ে আমি কৃষ্ণ ভাবনা তো হয়ে বি না আর কই রাস্তায় খোলা নেই। মন কো কৃষ্ণ মে লাগাই বিনা মনুষ্য এই সে ভৌতিক কার্য কো বন্ধ নেই কর সকতা। বার বার এই শব্দ আতে হ্যাঁ, মন কো কৃষ্ণ মে লাগাই বিনা মনুষ্য এই সে ভৌতিক কার্য বন্ধ নেই কর সকতা। আলাগ করকে প্রয়াস করা কেবল সময় নষ্ট হয়। ইসকো উদাহরণ যমুনাচার্য দিয়া, যমুনাচার্য বহুত এক সুন্দর শ্লোক লিখতে হ্যাঁ, যত অবধি মম চেত কৃষ্ণ পদারবিন্দে, যত অবধি জব সে মেরা চিত্ত কৃষ্ণ কা চরণ কমল লাগিয়া নব নব রস ধামনি উদ্যতম রন্তু মাসি। জব সে আমি কৃষ্ণ কা চরণ কমল প্রতি আসক্ত হুম, জব তো কৃষ্ণ কা সেবা শুরু কিয়া তব সে নয়া নয়া আনন্দ লাগনে শুরু হয়। মে তো লাগে আপকে সবকে সাথ মে হ্যাঁ, ইসকন মে আনে কা কেতনা কেতনা নয়া নয়া লাগে, বাহ ইতনা আচ্ছা লেকচার হতে হয় কিয়া, ইতনা আচ্ছা ভগবান কে ড্রেস হতে হয় কিয়া, ইতনা আচ্ছা প্রসাদ হতে হয় কিয়া, কি ইতনা আচ্ছা ড্রেস ডেকোরেশন হতে হয় কিয়া, সবই আচ্ছা লাগছে। ভক্ত লোক ব্যবহার ইতনা আচ্ছা হতে হয় কিয়া। তো যত অবধি যব সে কৃষ্ণ কা সেবা শুরু কিয়া হয় তত নয়া নয়া সাত আনন্দ, আর উসকে কারণ কি হওয়া তদ অবধি যদ অবধি অর্থাৎ যব সে তদ অবধি তপসে, তপসে কি হওয়া বত নারী সঙ্গমে স্মর্য মানে ভবন্ত মুখ বিকার সুষ্ঠু নিষ্ঠি বরং। আর ওই ভগবান কা সেবা কা সাথ ইতনা আনন্দময় হয় তবসে স্ত্রী প্রসঙ্গ কা বিচার আতে হি মেরা মন উদাচে ফির যাতে হ্যাঁ, আর মে এসে বিচার পর থু থু করতা হ্যাঁ, কি ভগবান কা সেবা মে ইতনা আনন্দ হ্যাঁ, তো উস তরা আনন্দ কো তুচ্ছ লাগে। জিস তরা আমাদের জিস মান লিজিয়ে যে
मछली नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनको बोले ये मछली आदमी कैसे खाते हैं, आश्चर्य होते कैसे खाते हैं, वो जो मछली सिर्फ जिंदा कैसे रह सकते, और जो मछली नहीं खाता है वो सोचते कैसे मछली खाते खा सकते, मारा प्राणी ये तो कुत्ते भी नहीं खाते हैं, आदमी कैसे खाते हैं वो सोच नहीं सकते। जब प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो जो प्याज लहसुन छोड़ दिया, अभी अरे क्या प्याज लहसुन खाता था, क्या वो खाना है क्या, खाना छोड़ने के बाद इस तरह लगता है, पहले क्या चाय क्या खाना क्या बचते हो। तो उसी तरह जो कृष्ण सेवा में जो आनंद मिल गया है, तब तो इस तरह भौतिक जगत का जो सुख है उसको तो सुख ही नहीं लगता है, तब तो उस तरह भावना के प्रति भी थूकना देना। ये महान आचार्य जमुनाचार्य कहते जदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम उद्गतम रंतुमाश तदवधि बत नारी संगम स्मर जमान। बहुत शर्मिंदा आता है वो बात याद कर, भावती मुख विकार, ये सुनने से मुख विकृत होता है, क्या ये मैं इतना पापी है, इस तरह से चिंता करना शिष्ट निष्ठि बनो, वो भावना के वो थुकना देने की इच्छा करते। तो ये जब शुद्ध भक्त बनते हैं तो उनको ये भावना होता है। तो कृष्ण भावना प्रभुपाद का बहुत अच्छा लिखता है, कृष्ण भावना इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग सतह निराश हो जाता है, क्योंकि भगवत भक्ति का इतना सुंदर है तो अलग करके वो भौतिक सुख को निंदन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसका रस नष्ट हो जाता है। बहुत भक्त उनका जीवन एक्सपीरियंस है, जो पहले मछली अंडा मुर्गा जो खाता था, अभी उनका बोले उसका क्या सेंट आने से बदबू आते हैं, उनका बदबू लगता है और उल्टी आने की इच्छा है, उल्टी करने की इच्छा है। बहुत भक्त को इस तरह भी करता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति इतना सुंदर हो सकता है। वह ऐसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करने अपनी भूख मिटा लेता है। ये उदाहरण है, जिस तरह बहुत भूखा है, भूखा आदमी के सामने कुछ खराब वस्तु भी देगा, भाई दो तो पहले मैं खा लेता हूं, फेमिन दुर्भिक्ष आदमी एक दूसरे को उल्टी भी खा देते, क्योंकि खाना कुछ है नहीं। लेकिन जब पुष्टिदायक खाना पेट भर जाए तब दूसरा कुछ खाना क्यों खाएंगे। इसका उदाहरण महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्गाशा मुनि पर इसलिए विजय पा सके कि उनका मन निरंतर कृष्ण भवन में लगा। ये श्लोक आगे ये द्वितीय आगे श्लोक में देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं, इंद्रिय का संयम करना, इंद्रिय का संयम करना, कैसे संयम करना, जितना बड़ा योगी मुनि ऋषि खुद के नियंत्रण करना चाहते संभव नहीं है, सबसे अच्छा है भगवान में सेवा। इसीलिए तानी सर्वाणी संयम युक्त आशित मात्र वशे ही रश्मि तस्य पर का प्रतिष्ठित। तो तानी शब्द अर्थ क्या है, ये सारे कौन सारे, ये जितना सारे इंद्रिया है जो मन को भगाना चाहते हैं, वो तानी सर्वाणी सारे इंद्रियों को संयम संयम कैसे कैसे संयम युक्त आशित मात्र। तो वो दो श्लोक का एक साथ यदि करेंगे, 59 नंबर श्लोक में कहा उच्चतर साथ में लगाना है, और 60 नंबर श्लोक में कहता है कृष्ण का सेवा लगा के बिना केवल बस करना असंभव है। तो दोनों श्लोक में मिलके एक एक अभी क्या करना चाहिए, इसीलिए वो दो श्लोक का सारांश है। इसलिए सारे इंद्रियों को क्या करना चाहिए, युक्त आशित मत्पर मेरा मत्पर शब्द अर्थ क्या है, मत्पर शब्द अर्थ क्या है, शब्द अर्थ क्या है, स्वार्थपर खुद के बारे में सोचना, स्वार्थ पर स्वार्थपर, स्व अर्थात खुद का, अर्थात प्रयोजन, पर अर्थात परायण,
जो केवल खुद का स्वार्थ देखे स्वार्थ पर, पर अर्थ पर, परार्थ पर। तो पर अर्थात परायण, परायण शब्द अर्थ क्या है? शरणागत। पर शब्द अर्थ परायण, जिस तरह नारायण परायण, नारायण के शरण। और हम कौन सा, हम कौन सा है, कौन बता सकते? मत परायण। हाँ, हम इंद्रिय परायण। और अच्छा है उदर परायण, खाना मिलेगा तो सब भूल जाएगा, तो हम है उदर परायण। और शुद्ध भक्त क्या है? कृष्णगत प्राण। और कृष्ण जब बोलता है मत, मेरा, मेरा परायण, मत परायण। कृष्ण भक्त था एक मत शब्द तो मेरा, यह कृष्ण जब बोलता है मत अर्थात मेरा, तो मेरा परायण अर्थात यह मत परायण अर्थात कृष्ण भक्त। तो तानी सर्वाणी संयम, तानी सारे इंद्रियों को कृष्ण अभी क्या बोलते हैं, इसीलिए इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को मेरा सेवा में युक्त करना चाहिए। यह सरकार इंद्रियों वशीभूत नहीं होगा, कृष्ण क्लियर बताते हैं। आप देखो बाहर में जगत के आदमी के चार नियम पालन करने के लिए बोलो, सोलह माला करो, पर नहीं पाएंगे। कौन कर पाएगा? जो कृष्ण भक्त ही कर पाएगा, क्योंकि कृष्ण भक्त उनका इंद्रिय भगवान की सेवा लगे। तानी सर्वाणी संयम युक्त अशित मत, इस तरह इंद्रियों के हाथ बश हो जाते, बश ही जो इंद्रियाणी, इस तरह जो व्यक्ति का इंद्रिय बश हो गया है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनका प्रज्ञा है स्थिर हो गया, वह स्थित प्रज्ञा। अभी अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञा क्या है, किसका बुद्धि स्थिर हो गया, तो उनका ही बुद्धि स्थिर हो गया है जिसको बश ही जो इंद्रियाणी, जिसको इंद्रिय बश हो गया है उसका प्रज्ञा स्थिर। किसका इंद्रिय बश हो गया है? युक्त आशीन मत पर सारी इंद्रिया कृष्ण बोलते जो मेरा सेवा में लगा दी। कितना सरल श्लोक है, अभी की लग रहा है भागवत गीता कठिन कठिन है, संस्कृत समझना कठिन है, कितना सरल शब्द है। जो इंद्रियों के पूर्णतया वश में रखते इंद्र संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जोग सिद्धि का चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों के वश में करना संभव नहीं है। जब तक कृष्ण भक्त नहीं होगा असंभव। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, ये कहानी आपको सबको पता है, मैं देखना चाहता हूँ ये कहानी किसको किसको पता नहीं है, किसको पता है यस लिखना चैट बॉक्स में। देखते हैं किसके किसे पता है कहानी, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का कहानी किसको पता है? हाँ आप देख लेना, जिसके जिसकी यस है उनके पास सुन लेना, मैं नहीं व्याख्या करूंगा। तो जैसे कि पहले कहा जा चुका है दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों के वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, हनुमान रावण और बंदर, किसका शक्ति ज्यादा है? रावण का कितना शक्ति है, देव देवी सब डरते उनके नाम, और बंदर का क्या शक्ति, लेकिन बंदर के पास रावण हार गया। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली, प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे हैं, लेकिन भगवत भक्त कितना शक्ति है। तो यह अच्छा उदाहरण देता है, एक है अम्बरीश महाराज और एक दुर्वासा। दुर्वासा मुनि कितना श्रेष्ठ योगी है, जिसका नाम से सभी डरते हैं, कभी भी शब्द से। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान का मान भक्त थे और इसीलिए दुर्वासा मुनि कुछ नहीं करता। तो उन्होंने इतना बड़ा भक्त क्यों बना? एक तो राजा है, राजा कितना बड़ा भक्त क्यों बना? ये उत्तर यह आता है,
सबई मनो कृष्ण पदार विंदय, उन्होंने मन को कृष्ण पद अरविंद, कृष्ण पद अरविंद अर्थात कृष्ण चरण कमल, अरविंद अर्थात कमल, तो भगवान का चरण कमल के तरह उन्होंने पहले तो मन को अपना मन को कृष्ण का चरण कमल में लगा दिया। वाचांशी वैकुंठ गुणानुवर्णन, वाचांश उनका वाक्य को वैकुंठ गुणानुवर्णन, वैकुंठ तो भगवान, तो उनका वचन को भगवान का गुण कित्त में लगा दिया। करौ हरिर मंदिर मार्जनादिशु, और हाथ से क्या करते थे, भगवान का मंदिर सफाई करते थे, राजा होने के बाद भी मंदिर सफाई करते, और हम कितना बड़े आदमी हो गया, मंदिर में हाथ उठाइए आप लोग, कौन कौन भगवान का मंदिर सफाई किया है, हाथ उठी। हाँ नहीं करते, हम बड़े आदमी, हम क्यों सफाई करेंगे, हम पैसा दे के आदमी को आदमी कर देगा, हम क्यों करेंगे, क्या हमारे पैसा के कम है, हमको खुद को सफाई करना पड़ेगा, हाँ हमारे इतना अहंकार है, हमें जितना पैसा से मैं पैसा दूंगा मैं किसी सफाई करूंगा। लेकिन यहाँ भगवान का महान भक्त अम्बरीश महाराज इतना पर राजा है, उन्हें खुद से करो हरिर मंदिर मार्जन आदिश, मार्जन आदिश था कि मंदिर मार्जन से सफाई कर, जितना सारे सेवा साफ करते। श्रुतिम कान को क्या कौन सा काम लगाते, चकार अच्युत शतपथोदय, कान को लगाते थे भगवान के अद्भुत महिमा अलौकिक लीला श्रवण करने, और मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य दृश्य, आंख को कौन सा काम लगाते थे, मुकुंद लिंगालय दर्शन, भगवान का रूप को दर्शन करने, और तत्वृत्त गात्र स्पर्श संगमम, शरीर को किया, त्वचा को कौन सा काम है, भगवत संग साधु संग, अपने शरीर के भक्त का स्पर्श कर, घ्राणं च तथा घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राण नाक को कौन सा काम लगा देते, तत्पाद सरोज सौरभ, हाँ उनका चरण कमल जी अर्पित फूल है, उनका सुगंध है, और श्रीमत तुलसा रसदा रसना तदर की, और रसना जिब्बा को कौन सा काम लगा देते, भगवान का प्रसाद, भगवान का चरण और भी तुलसी उसका आस्वादन कर, छत्र पदानुसर्पणी, पेड़ को क्या कौन सा काम लगा देते, हरेर क्षेत्र पदानु, हरेर क्षेत्र था भगवान का मंदिर, पेड़ से भगवान का मंदिर जाते, शिर ऋषि केश पदार्जन, और शीर शर को कौन सा काम लगा देते, ऋषिकेश का भगवान को चरण प्रणाम करने से हर अंग, और कामम च दास्य न तो काम काम मया, और जितना सारे कामना वासना है हम हमारे काम लिस्ट है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कितना लिस्ट है, लेकिन अम्बरीश महाराज के सारे कामना वासना भगवान कैसे, भगवान कैसे खुश होगा, यथा उत्तम श्लोक जनाश्रयति, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद पर स्थित कर दिया, अपने वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान की स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर के स्पर्श करने में, अपनी नाकों को भगवान के चरण कमल पर भेंट किए गए फूलों को गंध सूंघने में, अपने जीभ को अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करने में, अपने पाव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों को यात्रा करने में, अपने शिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा की पूरी करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वह भगवान के मत्पर भक्त बन गया है, मत्पर भक्त, या इस मत्पर भक्त को शब्द को प्रभुपाद ने व्याख्या किया, कोई मत्पर किस तरह हो सकता है इसके वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। इसको हमारे पूर्वतन आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण ने एक सुंदर तात्पर्य दिया, मद भक्ति प्रभावे न सर्वेन्द्र विजय पूर्विका सात्म दृष्टि सुलभेति भाव,
इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। बार बार बात है, हम इंद्रिय वश नहीं होता, इंद्रिय वश नहीं होता, इंद्रिय वश नहीं होता है। हर आचार्य जी ने कहते हैं एक ही तरीका है कृष्ण का सेवा। कभी कभी इसको और एक अच्छा उदाहरण दिया, अग्नि का उदाहरण दिया, अग्नि इसका सबको जला देता है। हिमालय पर्वत के तरह पहाड़, हिमालय पर्वत के तरह लकड़ी को जलाने के लिए कितना आग चाहिए? एक चिंगार में काफी है। तो जितना पर्वत पर पाप भी हो सकते कृष्ण भक्ति रूप, हाँ एक चिंगार में काफी। कभी कभी अग्नि को भी उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार ज्योति अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योगी सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताते हैं, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णुपद का स्वर का और न किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं के खोज में विदेह अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य है। अभी यदि कोई इतना सुनने के बाद भी यदि भगवान में सेवा में नहीं लगाएंगे और खुद ने आने कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तो उनका हालत क्या होगा? अगले श्लोक में 62-63 श्लोक में बोलते हैं, यदि भगवान का सेवा में नहीं लगाएंगे वो इंद्रिय उनको कितना पतन कराएंगे। धैर्य तो विषय पुंक्ष इंद्रियों विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाए और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध होता है। ये श्लोक का प्रभुपाद का अच्छा लेक्चर है। ओके प्रभुपाद का एक वीडियो था, प्ले हो नहीं आ रहा। तो तात्पर्य में यह लिखा है, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगे रहेगी तो वो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भागवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार के मोहित करने के प्रयास किया किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्तों के कारण वे कसौटी में खड़े हुए। जैसे कि जमनाचार्य जी के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान के अकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देते हैं। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंश मात्र विचार भी उसी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर।
इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, वो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रमशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात पुनश्च। किस तरह धीरे धीरे पतन होता है, वो विषय के प्रति ध्यान, वहां से कामना, कामना बाधा प्राप्त, क्रोध, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पूर्ण भावकूप में गिर जाता है। इस तरह धीरे धीरे पतन होता है। इसीलिए सबसे अच्छा है जब बुद्धि है, हाँ, अभी से सारी इंद्रियों को कृष्ण का सेवा में लगा, नहीं तो नहीं, मैं थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ अकेला अकेला, तो जब कोशिश करके देखेंगे तब तो टाइम नहीं रहेगा, तब दूसरा जगह चले जाएंगे। तो हमें हमें खुद को वो टेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी टेस्ट करके सब आदमी फेल हो गया। यह प्रभुपाद ने उदाहरण देता है, हमारे बात क्या है, शिव ब्रह्मा भी की इस तरह शिव ब्रह्मा पतन नहीं है, लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए दिखाता है, उन लोग भी इस तरह हो सकते, तो हम कौन है। इसलिए बुद्धिमान का कर्तव्य है, जिस तरह अस्पताल में कोई जो बीमार होता है, हम कोई दवाई लेके हमारे शरीर में टेस्ट नहीं करते हैं, जो डॉक्टर वगैरह फार्मासिस्ट कंपनी टेस्ट करने के बाद बाजार में जो दवाई छोड़ा है, हम आग बंद करके दवाई लेते हैं। उसी तरह सारे शास्त्र साधुजन टेस्ट करके दिया है, हमारी इंद्रियों को दमन करने के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है कृष्ण के सेवा में लगना। खुद को ऊपर टेस्ट नहीं करना है, ना चलो मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ, कभी नहीं करना। इंद्र को वश करने के एक ही मात्र दवाई है कृष्ण में सेवा। हरे मुकुंद मुरारी महाराज, ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना ये इंद्रियों को दमन करना संभव नहीं है, ये पिछले 3 श्लोकों में है। तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना एक प्रारंभ से उस स्टेज में आने में, इट वोंट बी इजी, लाइक यू कांट बिकम ओवरनाइट कृष्ण भावना भाव। तो व्हाट वन शुड डू, आपको बात सही है, इट इज नॉट इजी, बट गुरु महाराज कहता है इजी या डिफिकल्ट का डेफिनेशन क्या है, सहज और कठिन का डेफिनेशन क्या है, जो जानते हैं वो सरल है, जो नहीं जानते हैं कठिन है। जिस तरह गुरु महाराज उदाहरण देता है, दो उदाहरण देते हैं, एक है साइकिलिंग और स्विमिंग। इजी के जो जानते हैं उसके लिए सरल है, जानते हैं ये बहुत कठिन है, तो हमें सीखेंगे तो सरल लगा, नहीं सीखेंगे तो कठिन लगेगा। Yes, but maybe you have a certain level. कोई जो हर जीव जो है वो तमोगुण में हो सकता है, घोर तमोगुण में हो सकता है, then he can be little better, then little better, little better, then he can't reach at the शुद्ध सतोगुण वाला। किसने कहा? जी तो तमोगुण क्या परानी सा हाथी गजेंद्र, गजेंद्र भगवान के नाम लेकर मुकुंद वगैरह कमल दिया भगवान खुद ने आकर धर धर लेके चले। गजेंद्र वाले बस मेरे प्रीवियस प्रीवियस लाइफ में गजेंद्र वाले डिवोटी, भगवान भक्ति करने के लिए कोई प्रीवियस कोई योग्यता जरूरत नहीं होता। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, पर देन इफ ऑल दिस इज ट्रू देन व्हाई एवरीवन कैन नॉट बिकम शुद्ध भक्त इन ओवरनाइट, उनका दुर्भाग्य है। केवल शुद्ध भक्त के बात सुनकर काम में लगना, जिस तरह जो प्रभुपाद का बात सुनकर प्रभुपाद का जो आदेश पालन किया बस उनका जीवन सफल हो गया, क्योंकि इतना ही करना है, शुद्ध भक्तों को बात सुनना बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पर देन वो है ना महाराज, प्रकृति तो गुण अपने आप गुण कर के वश में होकर जीव काम करेगा ना, इसकी क्षमता ज्यादा है प्रकृति के गुण की भगवान का शक्ति, भगवान का शक्ति, तो जो भगवान का शरण लगा प्रकृति गुण कैसे काम करेंगे। हरे श्याम शेखर बोल। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद।
महाराज जी, जैसे ये लास्ट वाले श्लोक के तात्पर्य में आया, शिव जी का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने और हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया है, तो एक इसमें भागवत में कहीं आया कि जब अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो उस समय आदिवासी लोग भी अर्जुन को हरा देते हैं। तो उसमें आदिवासी लोग वो एक्चुअली कृष्ण था, कृष्ण का अलग कृष्ण के पास हारे गए जी। हाँ वही मेरा प्रश्न ये था कि फाइनली अंतिम जब तक भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान अगर आपने दे सकते हैं तो फुल पावर दे सकते हैं, तो तभी भी आपका पावर निकाल सकते हैं। भगवान की कृपा को करने के लिए बस हमें यही करते रहना है। जी थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि अमरीश महाराज जो पहले अपने मन को भगवान के चरण विंद में लगाए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे सारी इंद्रियों को अपनी भगवान की सेवा में लगाए, तो कई बार हम लोग सुनते लेक्चर में कि इंद्रियों को सेवा में लगा के मन को कंट्रोल करना है, कभी सुनते हैं कि मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को सेवा में लगाना है, तो सब एक साथ करना है, सब एक साथ करना है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। तो भक्ति करने के लिए इस तरह विचार करता है, पढ़ाई करने के लिए इस तरह करता है, चलो पहले हाथ को लेके जाएंगे, पैर को लेके जाएंगे, उसके बाद मन को लेके जाएंगे, खाना के समय इस तरह चिंता, पहले मन को लेके जाएंगे, उसके बाद शरीर को लेके जाएंगे, क्योंकि महाराज भक्ति अब हम लोग को पता लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको मन इंद्रिय सब एक जगह एक साथ लेके जाते हैं, तो भगवान की सेवा में क्यों नहीं। वो प्रभु महाराज जैसे कि कोई भी चीज अगर हम लोग को डिस्टर्ब करती है, भगवान का लेक्चर सुनते हैं तो वो याद नहीं रहता है, लेकिन छोटी सी भी कोई बात हो जाती है तो वो हम लोग को मतलब लास्ट टाइम तक याद रहेगा कि वो उसने हमारे साथ में इस तरह से किया था, वो सब चीज याद रहती है, लेकिन भगवान की कथा इतनी याद नहीं रहती है, तो यही फिर उसका कारण है। कौन चीज याद रहता है? जहां पर हमें इंटरेस्ट है, जहां पर इंटरेस्ट नहीं वो याद नहीं रहता, क्योंकि भौतिक जगत पे बद्ध होने के कारण, बहुत जन्म जन्मांतर इंद्रिय तृप्ति के कारण हमारे उस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए वो बात ज्यादा याद रहता है। लेकिन कोई दुख देता है वो तो अच्छा नहीं है, वो तो हम लोग को याद नहीं रहना चाहिए ना, लेकिन वो हम लोग को याद रह जाता है। वो दुख दुख अब तो क्या है, दुख का अपोजिट सुख पाना चाहता है, दुख नहीं आएगा, वास्तव में तो वही है, सुख चाहते हैं हम, खूब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, दुख हमको नहीं आना चाहिए, इसीलिए दुख जो याद रहता है, दुख क्यों, कि सुख क्यों को नाश कर देगा, इसीलिए उसके बाद ज्यादा याद रहता है, कि हम सुखी रहेंगे वो डर के मारे दुख के बारे डरते हैं। लेकिन भगवान की कथा तो बहुत अच्छी है, रोचक है, वो हम लोग को याद रहना चाहिए वो, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे तो रुचि तो आ रहा है। अभी देखो कोरोना सिचुएशन में हमारे ऑनलाइन में जितना सारे क्लास है, दुनिया में कोई जगह में इस तरह नहीं हो रहा है। यस महाराज, भौतिक कम में कौन सा सिनेमा इस तरह चल रहा है, कौन सा गान इस तरह चल रहा है, जिस तरह प्रभुपाद का ग्रंथ के बारे जितना चर्चा चल रहा है, कृष्ण लीला के बारे जितना चर्चा चल रहा है, कहाँ से इतना हो रहा है, इसके अंदर ज्यादा रस है। यस महाराज, भगवान का सेवा में बहुत रस है। अभी आप सुनो, इस तरह कोई सिनेमा तो कोई नॉवेल इस तरह ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसके ऊपर सुना आज तक कोई नॉवेल लिखा है, उसको ऑनलाइन इस तरह क्लास चलता है, महीने के बाद सालों बार हमारे भगवत गीता से क्लास चलते रहे, सब बैठ के सुन रहे हैं, कोई नॉवेल के बारे सुना इस तरह कोई कोई नहीं पसंद तो जरूर इसके अंदर रास्ता है। यस महाराज, ओके महाराज, थैंक यू, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम महाराज। चंद्रकांत। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, आई एम ऑडिबल महाराज, हाँ प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशन महाराज।
मेरा प्रश्न ये था महाराज कि हम अपने कर्मों की साइकिल और भगवान की कृपा के बीच में कैसे, इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं महाराज? देखो भगवान का कृपा हमारे तो हाथ नहीं उनके ऊपर है, हमारे हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, हमारे कर्म हम कर सकते हैं, बाकी भगवान का कृपा जी हम प्रार्थना कर सकते हैं, और ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो हमारे कर्म हम करेंगे साक्षात भगवान का कृपा के भरसा करेंगे। विषय कभी मत हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे मुकुंद मुरारी प्रभु जी का क्वेश्चन था तो उन्होंने बोला कि प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जैसे कार्य करते हैं, तो आपने भी उसमें बताया कि भगवान बड़े हैं या प्रकृति के गुण। तो महाराज इसमें एक ही है मेरा ये पॉइंट था कि महाराज भगवान ने हमको फ्री विल भी तो दिया है ना कि हम कौन से गुण में रहना चाहते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे निस्त्र गुण भव अर्जुन, तो ये फ्री विल भी तो हमारे पास है ना महाराज, हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम पपेट की तरह डांस कर रहे हैं। हाँ भगवान तो वो तो गुण दिया है, लेकिन एक गुण में रहने का कितना डांडा खाने के बाद तो होश तो आया ना, नहीं रहना चाहते हैं तब तो समय तो आते ही। यस महाराज, क्योंकि में गुण में रहने के बाद मजा लगा क्या? दुख हुआ, दुख हुआ महाराज, सुख हुआ, तो अभी क्या करना? अभी कितना सरल रास्ता दिया, दुख होने के बाद पता चला अभी गुरु वैष्णव का बात सुनकर कृष्ण के शरण लवास खत्म। यस महाराज, तो वही महाराज की हमारे पास तो चॉइस है ना, फ्री विल दिया है ना भगवान ने हमको। हाँ चॉइस है कौन से गुण में हम रहना चाहते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हम जैसे पपेट के तरह डांस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना महाराज। हाँ राइट, यू आर राइट। हाँ क्योंकि वो तो हमारी स्वाधीनता के ऊपर, हम प्रकृति में गुण में रहना चाहते कि भगवान के शरण में जाना चाहते, तो हमारे ऊपर स्वाधीनता तो भगवान तो दिया जी महाराज। कष्ट भोगने के बाद तो हम इधर में भक्ति में क्यों आया? दुख कष्ट मिलने के बाद ही पता चला नहीं गया, नहीं बहुत हो गया अभी। yes, वो जो अभी फ्री व्हील है, अभी बहुत पापी हो सकते हम लोग, लेकिन भगवान का शरण लेने से भगवान सारे पाप से मुक्त कर देंगे, इतना भगवान का क्षमता है। थैंक यू महाराज। कविता माता जी हाथ उठे थे। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज ये 63 श्लोक है ये जो लास्ट में हमने पढ़ा, क्रोधा भवति सम्मोह, तो ये सम्मोह का यहाँ पे क्या मीनिंग है? सम्मोह, मोह शब्द आता है मोहग्रस्त का ना, मोह जिस तरह काम क्रोध लोभो मोह मद मत्सर मोहग्रस्त होता है ना पागल की तरह, वो मोह अर्थात मोहग्रस्त इल्यूशन, मोह माने पागल का पूर्व अवस्था है, और सम्मोहत कम्प्लीटली, सम शब्द अर्थात कम्प्लीट, सम्मोहत पूर्ण तरीका मोहग्रस्त है। तो हम उस लोग काल चर्चा करेंगे। ठीक है महाराज, ठीक। नवद्वीपति को अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा महाराज। मेरा ये क्वेश्चन था कि अपने को कोई भी चीज, जैसे ये बताते पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है, तो क्या भक्ति में भी पूर्व जन्म के कर्मों के फल की वजह से आदमी प्रवेश करता है, या उसकी स्वतंत्रता होती है? दोनों हो सकते, ये तो पूर्व जन्म का उसको कहता है भक्ति मुखी सुकृति, कुछ तरह सुकृति किया है जिसके भक्ति में वो एक होते वक्त है, और अहित की कृपा से भी हो सकते, भगवान किसी को अहित की कृपा भी कर सकते, और पूर्व जन्म का किसी को उस तरह सुकृति, जिस तरह मंदिर में गया है कोई भक्तों का अचक्य सेवा किया है, भगवान का प्रसन्न किया, कोई रास्ते में डांस किया है, कोई भक्त भगवान डांस करते करते गया उसको रास्ता परिष्कार कर दिया, कुछ तरह से कुछ ना तो कुछ सेवा किया है, तो वो अगले जीवन में आपको भक्ति में लाने की कोशिश कर लेके आएंगे। वो है ये सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति, ये सुकृति के कारण अगले जीवन में भक्ति करने मौका मिले, लेकिन ये सुकृति सरकार भी भगवान और भगवान का भक्त किसी को अहित की कृपा कर सकते, पूर्व जन्म की सुकृति बिना भी कर सकते।
ठीक है। तो अभी हमें समझना चाहिए हमारे पूर्व संध्या कोई स्वीकृति नहीं है, हमें तो गुरु वैष्णव का अहैतु की कृपा चाहिए। हमारे जो कैलकुलेशन भक्त भगवान को वैष्णव का प्रार्थना है, भगवान हे वैष्णव ठाकुर मेरा यदि स्वीकृति और गुण कैलकुलेट करेंगे तो ढूंढने के एक भी नहीं मिलेगा, और मेरा दोष यदि आप विचार करना चाहते हैं गिनती करके खत्म नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो चैप्टर क्लोज कर दो। आप वो विचार नहीं करना है, आप मुझको अहैतु की कृपा करना है। हमें तो इस तरह मनोभाव लेना चाहिए कि हमारे पूरे जो स्वीकृति दुष्कृति विचार करने में हमारे को उद्धार नहीं होगा, हमें तो केवल वैष्णव का अहैतु की कृपा चाहिए। अच्छा ये भक्ति के अंदर इंटरेस्ट कैसे जागृत हो, भक्ति में मतलब जो होता है ना रुचि कैसे जागृत हो? जिसके रुचि है उनके संग करने से। जिस तरह आपका बच्चा उनको रोज 26 किलोमीटर मैराथन रेस करते हैं, उसके रुचि कहाँ से जागृत होगा? हमको बोलेंगे कौन सुबह 2 घंटा वो तो मैराथन रेस में अंदर रुचि कहाँ से आया उनको, ये पूछे तो सुबह उठ के 2 घंटा कौन भागेगा। लेकिन केशव रोज हर सुबह 2 घंटा भागते हैं, क्यों? सुना नहीं मैराथन रेस में कोई एक बार चांस मिलेगा, उनको रुचि कहाँ से आया? संग से, सुनने से। इस तरह एक बार मैराथन रेस में इस तरह कोई क्वालिफाइड हो जाएगा तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। इसे भगवत गीता में भागवत में लिखा नहीं था इस बात, लेकिन वो उस तरह के संग किया इसीलिए उनको। ठीक है, हरे हरे कृष्ण जादवेंद्र कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल क्लास महाराज। आज जैसे आपने बताया कि जो सेंस कंट्रोल है तो योगी नहीं कर पाते तो फिर ज्ञानी का क्या बात करना, ज्ञानी नहीं कर पाते तो फिर कर्मियों की क्या बात करना। तो महाराज जैसे कल क्लास सुन रहे थे तो आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे सांप का जब वो विषैला दांत तोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार से योगी मतलब जो विषय वस्तु होता है उससे अटैक नहीं करता क्योंकि उसका वो कंडीशन आ जाता है। तो मेरा मतलब ये प्रश्न है महाराज कि जो योग है उससे रेयर केस में सेंस कंट्रोल प्राप्त किया जा सकता है या फिर लाइक वो सम शॉर्ट पीरियड टाइम पे। पहला चीज जब उस तरह योगी सब जब शब्द होते हैं तो सोचने पर भक्ति योगी के बारे में बोल रहे हैं। जब योगी जिस तरह मैं संघ शब्द आते क्या है एसोसिएशन, तो संघ त्यागात शब्द आते क्या है डिवोटी एसोसिएशन लीव, नहीं संघ त्यागात असाधु संघ त्याग करना है, संघ त्यागात शतवृत्ति। नॉर्मली संघ शब्द आते थे साधु संघ करना है, लेकिन जब आते हैं संघ त्यागा इसके बाद असाधु संघ त्याग, साधु संघ त्याग नहीं करने का। इसी तरह ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग सब योग है, लेकिन सब योग अच्छा योग है तो समझना चाहिए वो भक्ति योग के बारे में बोलना है। एक और प्रश्न महाराज कि जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि जो अभी जो हम लोग हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं वो सेसेशन ऑफ पेन है ना, मतलब जब पेन खत्म हो जाता है तो हम उसको हैप्पीनेस बोलते हैं, तो आनंद की प्राप्ति तो हो नहीं पाती। और वैसे भी जब भगवत गीता में बताया कि ये दुखाले में अशेषतम, तो ये तो दुख का आलय है तो आनंद की तो प्राप्ति का भूल ही जाए। तो महाराज इज इट पॉसिबल कि मतलब डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते करते वो आनंद कभी फील हो पाए? पॉसिबल नहीं, वो नहीं बोल गए। तुमको मिला क्या कोई आनंद मिला क्या? मतलब महाराज ये थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मतलब कि वो हैप्पीनेस है कि वो आनंद है। हैप्पीनेस है, आनंद है, उसका अंदर अलग नहीं करना है। हैप्पीनेस है इंग्लिश, आनंद है संस्कृत और हिंदी और बंगाली, वही चीज है। लेकिन कृष्ण सेवा के जो आनंद है वो प्रकृति आनंद है, भौतिक जगत का जो आनंद है वो वास्तव में आनंद नहीं है। तो अभी जो कृष्ण भक्ति के में जो आया है उस आनंद मिला इसीलिए आया, तो वो जो मिला है ये सुख नित्य सुख है, ये सुख चलते रहेगा। जिस तरह एक कहें अब बचपन से बहुत सारे सिनेमा का गान सुना है, बहुत बार गाया भी है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जिस तरह गा रहा है उस तरह सिनेमा गान कितना दिन गा सकते? तो सिनेमा का जो गान है कुछ दिन बाद अच्छा नहीं लगता, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र रोज ही गाते हैं,
तो जरूर इसका सुख, उसका सुख बहुत हारा है। तो क्या आज जिस तरह लग रहा है बुढ़ापे भी उस तरह लगेगा, मृत्यु के बाद भी उस तरह लगेगा। तो इस तरह ये जो सुख है ये नित्य सुख है। थैंक यू। हरे कृष्ण भगवत गीता यथारूप की जय। कृष्ण प्रभुपाद की। हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम।